न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करना था, कैश बुक। प्रीवियसली अभी तक हम लोगों ने जर्नल एंट्री कंप्लीट कर ली है, जर्नल एंट्री से पहले इवन अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कैपिटल असेट लायबिलिटी पे जो असर पड़ रहा था उसको हमने मैथमेटिक्स के फॉर्म पे अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, जो कि रियलिटी में अकाउंटिंग का जेन्युइन प्रोसीजर नहीं है। जेन्युइन प्रोसीजर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जर्नल एंट्री से। ट्रांजेक्शन जब हमारे सामने होता है तो हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है, लेकिन हमने सीखा बाद में जाके कि जर्नल एंट्री में डेबिट करने से वो डेबिट नहीं होता, अकाउंट में लिखने से वो डेबिट या क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री में तो बोलते हैं कि डेबिट करना है, किया नहीं है आपने डेबिट। डेबिट कब किया माना जाता है? जब आप अकाउंट के अंदर एंट्री कर देते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के बाद फिर हमने अकाउंट्स ही बनाए थे और आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है कैश बुक। कैश बुक का मतलब समझ लेना लाइक कैश अकाउंट। आपको सिर्फ कैश अकाउंट शो करना है। आपके सामने ट्रांजेक्शन आएंगे, उन ट्रांजेक्शन से कैश पे क्या असर पड़ेगा, और आपको कैश का ही सिर्फ डिटेल बनानी है, कैश का अकाउंट बनाना है। लेकिन इस कैश अकाउंट को नाम हमने चेंज कर दिया, इस कैश अकाउंट को हम कैश अकाउंट नहीं बोल रहे, बल्कि क्या बोल रहे हैं? कैश बुक। क्या मतलब है कैश बुक बोलने से? कैश अकाउंट हमने बनाया था, कैश बुक तो नहीं बनाई थी। बुक वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम कैश के लिए सिर्फ एक दो पेज का अकाउंट नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक रजिस्टर लगा देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हर दूसरी एंट्री में कैश आ जाता है। आपके बिजनेस के मोर देन 90% ट्रांजेक्शन में पैसों का ही लेन देन होता है। उधार की एंट्री थोड़ी सी होती है, जो उधार की एंट्री है उसमें भी बाद में कैश ही मिलता है। सैलरी देनी है तो कैश चाहिए, वेजेस देनी है तो कैश लेना है, कमीशन है तो कैश चाहिए, कैपिटल आती है तो कैश चाहिए। हर चीज खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? कैश। कैश की जर्नल एंट्री नंबर में सबसे ज्यादा होती है, नहीं होती? तो आपने दो चार पेज का अकाउंट बनाया हो तो रोज ही भर जाएगा। हमने कहा भैया ये तो फिर रोज ही भर जाएगा अकाउंट, तो अकाउंट नहीं बल्कि इसके लिए क्या कर लेते हैं? एक पूरा रजिस्टर ही लगा लेते हैं। वो जो तुमने रजिस्टर लगाया जिसमें सिर्फ कैश की एंट्री करोगे, उस रजिस्टर को अब कैश अकाउंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैश बुक। अब एक होगी आपके पास कैश बुक, एक दूसरा लेजर, उसमें तो एक एक पेज के बहुत सारे अकाउंट होंगे। लेकिन जब आपने कैश के लिए एक सेपरेट रजिस्टर लगा लिया तो उसको बोलते हैं हम कैश बुक। लेकिन ध्यान रखना, कैश बुक जर्नल एंट्री के नियमों के बाहर नहीं है। बनेगा ये कैश बुक का जो लुक होगा वो बिल्कुल जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग में जैसा होता है बिल्कुल वैसे होगा। और जब हमने लेजर बनाए थे तो हमने सीखा था कि टी फॉर्म में हम अपना अकाउंट बनाते हैं। इस बार अकाउंट की जगह क्या बना देंगे? बुक बना देंगे टी फॉर्म में। टी फॉर्म में एक पार्ट कौन सा होता है? हमारा डेबिट, और दूसरा पार्ट हमारा होता है क्रेडिट। फर्स्ट पार्ट डेबिट, सेकेंड पार्ट हमारा क्रेडिट। सबसे पहले डेट रहती है, डेट के बाद फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF और रुपीस, यही चीज़ें हमें शो करनी होती है। सेम ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी होता है, सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF और रुपीस। ऊपर आप अब इसमें कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कैश बुक। और ऊपर डिटेल में थोड़ा सा एक चेंज कर देते हैं। ये हम सबको पता है कि कैश जो है वो एक असेट है ना, असेट है, तो असेट के नियमों के हिसाब से बनाई जाएगी। और असेट्स का रूल क्या कहता है? असेट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है ना। हमें पता है कि एक हमारी होती है कैपिटल, एक होती है लायबिलिटीज, और किसके इक्विवेलेंट होती है? असेट्स। हमने सीखा था कि जो कैपिटल और लायबिलिटीज है इनका बैलेंस कैसे टाइप का होता है? क्रेडिट। और जो असेट होती है उसका बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। इससे हमने फिर दो रूल बनाए थे, प्लस का और माइनस का। यहां से भी दो रूल बने थे, प्लस का और माइनस का। असेट अगर इंक्रीज होती है तो होती है डेबिट, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। लायबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। कैश किस टाइप की चीज है? कैश किस टाइप की चीज है? असेट्स। असेट्स तो इसका मतलब ये वाले रूल को हम यहां पे सिर्फ फॉलो करेंगे, सिर्फ ये वाला रूल। और कैश जब भी इंक्रीज होगा तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए? इंक्रीज जब होगा तो डेबिट हो जाना चाहिए, जब प्लस होगा तो यहां पे आना चाहिए। और किसी भी वजह से कैश अगर तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जरूरी थोड़ी हो सकता है डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए अगर कैश तुम्हारा माइनस हो जाए कैश, तो क्या करना पड़ेगा? उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंपल सा एक रूल जो है उसी से आपकी कैश बुक बन जाएगी। तो क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि यहां पे पैसा बढ़ेगा, बढ़ने को बोलते हैं कैश की रिसीट्स, तो मैं पर्टिकुलर्स की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? रिसीट्स भी लिख सकता हूँ, फिर LF, और फिर अमाउंट जिसको के अंदर रुपीज आने हैं। सेम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम डेट,
फिर यहाँ पे पैसा घटेगा, है ना, घटेगा तो मतलब पैसों की आप क्या कर रहे होगे, पेमेंट कर रहे होगे, तो यहाँ पे सीधा वर्ड ही क्या लिख सकते हैं भाई, पेमेंट्स, और उसके बाद LF, और उसके बाद फिर रुपीज में वैल्यू। तो सिंपल जर्नल एंट्री के रूल को हम यहाँ पे लगा देंगे, पैसा बढ़ेगा तो डेबिट और पैसा घटेगा तो क्रेडिट, और आपकी बन जाएगी आपकी कैश बुक। समझाने के लिए कैसे कि कैसे सारी ट्रांजेक्शन को हम शो करते हैं आपके नोट से फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पेज नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, जिसमें लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक। कह रहा है एक सिंपल सी कैश बुक बनाओ, सिंपल कैश बुक वो होती है जिसमें सिर्फ कैश कैश की डिटेल होती है। तो हमने एक सिंपल कैश बुक यहाँ पे बना ली है, ड्राफ्ट बना लिया है, बस इसमें अब फिगर डालनी है, नाम लिखने हैं। पहला ट्रांजेक्शन में गिवन है January 1st स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। हमने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, और जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो बताइए बिजनेस में पैसा आएगा कि बिजनेस से पैसा जाएगा, आएगा। बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसमें कुछ कैश डालते हैं, तो भैया कैश डल गया मतलब कैश इंक्रीज हो गया, और जब इंक्रीज होता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेबिट साइड में 25,000। डेट में डाल देते हैं डेट जो कि है January 1st, और उसके बाद फिर 2 लगा के अकाउंट में जब एंट्री करते थे, 2 लगा के एंट्री करते थे, 2 लगा के आपको रीज़न भरना पड़ता है, कॉज भरना पड़ता है, किस वजह से ये पैसा तुम्हें मिला, किस वजह से पैसा मिला भाई, स्टार्ट क्या बिजनेस तो कैपिटल अकाउंट से पैसा मिला होगा। पूरी जर्नल एंट्री आपने बनाई है, इसकी पूरी जर्नल एंट्री क्या बनाई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये उसी जर्नल एंट्री की तो लेजर पोस्टिंग एक तरह से देखोगे, क्लियर है। अगली एंट्री, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹10,000। हम गए और हमने एक बिल्डिंग खरीद ली ₹10,000 की। पूरी जर्नल एंट्री में तो भैया बिल्डिंग के कैसे डेबिट होगी, बढ़ी है तो डेबिट होगी, और कैश लेकिन क्या हो गया उसमें, कम हो गया, तो कैश का तो कमी आ गई कैश में, और कम होने पर क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो सीधा आप क्रेडिट साइड में डाल दो ₹10,000। सबसे पहले देख लो, फिर से मैं अमाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर रहा हूँ। डेट में डाल देंगे डेट जो कि है January 3rd, और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे भाई, बिल्डिंग के अंदर पैसे लगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। सर में आ गई एंट्री। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3,000। ने गुड्स परचेज कर लिया, जब हम गुड्स परचेज कर लेते और पैसे भी दे दिए, यहाँ पे लिखा है फॉर कैश, तो बताइए कैश के ऊपर, हम कैश की बुक बना रहे तो कैश के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारे पास कैश बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा, गुड्स बढ़ जाएगा कैश घट जाएगा, और कैश हमारा घट जाएगा, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे 3000 से। डेट डाल देंगे January 5, और रीजन यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। कोई पूछे भाई इसकी पूरी जर्नल एंट्री क्या होती है, तो जर्नल एंट्री तो आसान है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है, और उसी की पोस्टिंग करोगे तो कैश को क्रेडिट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगली एंट्री, पेड एडवांस सैलरी ₹1,200। भाई सैलरी चाहे तुम एडवांस दो चाहे नॉर्मल दो, अगर सैलरी दी है तो झूठ, तुमने सैलरी तो नहीं दी है, क्या दिया होगा, कैश दिया होगा, और कैश सैलरी देने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो क्रेडिट से डाल दो 1200। डेट डाल देंगे क्या, January 8। रीजन में बोलेंगे भाई ये प्रीपेड सैलरी है, सैलरी नहीं है बल्कि क्या है, प्रीपेड सैलरी, क्लियर है। अगली एंट्री पे आ जाओ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,800। आपने गुड्स को सेल कर दिया ₹1,800, वो क्लियर लिखा है कैश, तो बताइए सामान तुमने बेचा है तो कैश पे तुम्हारे पास क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो ठीक है फिर डेबिट कर दो ₹1,800। डेट में डेट डाल देते हैं January 10, और रीजन में भर देते हैं भाई ये सेल्स से पैसा आया टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हम बैंक में गए और वहां पे कुछ पैसा डिपॉजिट कर दिया, बैंक का बैलेंस तो बड़ा हो जाएगा, बट बैंक का अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, हम तो बना रहे किसका, कैश का, कैश पे क्या बैलेंस पे असर पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, माइनस तो क्रेडिट साइड करने से होगा, यहाँ पे लिखिए 5000, डेट डाल दीजिए इसके अंदर 15, और रीजन भर दीजिए पैसा कहाँ गया, बैंक में गया, तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अगली एंट्री, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹300। झूठ बात भाई, इंटरेस्ट तो नहीं रिसीव हुआ होगा, रिसीव तो कुछ और हुआ होगा, कैश रिसीव होता है, बोल चाल की लैंग्वेज है, इंटरेस्ट मिल गया, मिलता तो कैश है, रीजन इंटरेस्ट होता है, क्यों वो कैश मिला, क्योंकि इंटरेस्ट था, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट से हमें लिखेंगे ₹300। डेट में डेट डाल देते हैं January 17, रीजन में भर देंगे जी इंटरेस्ट अकाउंट है। नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, हमें कुछ पर्सनल जरूरत पड़ी, हमने पैसा निकाल लिया, पैसा निकाल लिया, पहले बता पैसा हमारे पास बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, निकाल के घर ले गए, बिजनेस का कैश हो गया कम, क्रेडिट करेंगे 1100। डेट में डाल देंगे 21, और फिर रीजन भरेंगे, रीजन क्या है भाई, ये पर्सनल यूज है, और पर्सनल यूज को क्या नाम दिया जाता है, ड्राइंग्स, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट।
अगली एंट्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1400। हमने बीमे का प्रीमियम भर दिया, इंश्योरेंस लोग कराते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इंश्योरेंस फ्री में नहीं मिलता, आपको उसके लिए कुछ दाम चुकाना पड़ता है। आपने 1400 वो दाम चुकाया, तो बताइए कैश पे फिलहाल क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज के डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स क्रेडिट से हमें लिखेंगे 1400, डेट डालेंगे 25 और रीजन लिखेंगे बाय इंश्योरेंस अकाउंट। क्लियर है? इन्हीं कामों की जर्नल एंट्री पहले बनाई थी, अब जर्नल एंट्री तो बना ही नहीं रहे, सीधा ही पोस्टिंग कर रहे हैं देख के कि भाई वो चीज डेबिट होनी चाहिए या क्रेडिट होनी चाहिए, सीधा अकाउंट में एंट्री, और यही मेन चीज है, आपको अकाउंट में एंट्री करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट, पेड टू मिस्टर वर्मा 450। किसी मिस्टर वर्मा के कोई पेमेंट हमें करनी होगी, आज हमने वो पेमेंट कर दी 450। बताइए पेमेंट करने से कैश इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। 450 क्रेडिट से हमें दिखाएंगे, डेट डालेंगे 30 और रीजन लिखेंगे जी मिस्टर वर्मा को पैसा दिया है तो बाय मिस्टर वर्मा। और लास्ट, बॉट ऑफिस फर्नीचर ₹2100। हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर तो हमारी एसेट है, वो तो बढ़ जाएगी, जिस चीज को खरीदते हैं बढ़ जाएगी, लेकिन हमें फर्नीचर का अकाउंट नहीं बनाना। फर्नीचर का अकाउंट बनाते तो पक्का डेबिट ही करते उसे, हमें तो कैश का अकाउंट बनाना है। तो बताइए कैश पे क्या असर पड़ा होगा? कैश डिक्रीज हो गया होगा, फर्नीचर डेबिट होगा और कैश फिर क्रेडिट होगा 2100। डेट में डेट डाल देते हैं 31st और रीजन लिख देते हैं बाय फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है? तो आपने एक तरह से कैश अकाउंट ही तो बनाया, ये बस क्या कर दिया इसका नाम कैश अकाउंट की बजाय कैश बुक। और बुक हमने क्यों कर दिया, उसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अब ये एक पेज का नहीं बल्कि एक पूरा रजिस्टर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसका टोटल करेंगे। टोटल भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले हम करते थे, डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा हमारा और इसका टोटल करने पर आ रहा है 27,100। फोर्सफुली दूसरी साइड भी डाल देंगे, यहाँ पे कुछ फिगर है लेकिन टोटल फिर भी 27,100 नहीं होगा। अगर मैं माइनस करूँ तो डिफरेंस पता चल जाएगा कितने का है। माइनस करना शुरू करते हैं एक एक। सबसे पहले 10,000 है, उसके बाद 3,000 है, उसके बाद फिर 1,200 है, उसके बाद फिर 5,000 की एंट्री है, उसके बाद 1,100 की एंट्री है, फिर 1,400 है, उसके बाद 450 और लास्ट में 2,100। सबको माइनस करने के बाद बैलेंस जो बच रहा है वो 2,850 बच रहा है। फिर 2,850 जो बचा, ये पूरा महीना खत्म होने के बाद कैश कितना पॉकेट में बचा उतना, इसे क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस CD, याद है? और जो बैलेंस CD होता है, अब ये मैं मिटा देता हूँ, ये लास्ट में जो मैंने निशान लगाए थे, जो बैलेंस बच जाता है जनवरी का वो वेस्ट नहीं होता था, वो कब यूज़ कर सकते हैं, फरवरी में यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में। तो जनवरी 31st का जो बैलेंस था वो February 1st साइड बदल के क्या बोलेंगे, टू बैलेंस BD 2850। और अब इस महीने के फिर से ट्रांजेक्शन होंगे, कहीं कहीं से पैसा आएगा, कहीं कहीं से पैसा जाएगा, और वो इसी अकाउंट में बिल्कुल वैसे के वैसे लिखते रहेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस मंथ जनवरी में लिखा। सबको क्लियर है? कंप्लीट है। पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में एंट्री हमें करनी है, और सबसे पहले इसमें November 1st बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ 10,250 है। पिछले महीने का बचा हुआ, अक्टूबर महीने का बचा हुआ कैश है, और क्योंकि कैश असेट है उसका डेबिट बैलेंस होगा, ये मस्ट है। और हमें यह भी पता है जब भी कैश इंक्रीज होगा, असेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट। तो जब भी किसी भी वजह से कैश तुम्हारा बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट साइड में यहाँ एंट्री करेंगे। और किसी भी वजह से अगर कैश तुम्हारा हो गया डिक्रीज, माइनस में चला गया, तो फिर क्रेडिट साइड में एंट्री कर दें। अभी फिलहाल हमारे पास पिछले महीने का बचा हुआ कैश है 10,250, इसे लिखेंगे यहाँ पे क्या नाम देंगे, बैलेंस BD। पिछले महीने बैलेंस CD था ये, अब जाके बन गया बैलेंस BD। डेट डाल देंगे November 1st और अब नए डील शुरू हो गए। नवंबर की 2nd डेट को हमने परचेज किया गुड्स फ्रॉम विजय ₹1200 फॉर कैश। गुड्स खरीदा है, विजय से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पैसे हमने दे दिए, और पैसे दे दिए तो कैश पे क्या असर पड़ेगा, कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेट डाल देंगे November 2nd और रीजन लिखेंगे जी परचेज की थी, विजय का नाम नहीं लिखेंगे, परचेज। अगर हमने पेमेंट की होती विजय को उधार के सामान की तो विजय का नाम होता, अभी तो हमने गुड्स खरीदा है तो गुड्स हमारा नाम होगा जो हम लिखेंगे। पूरी जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली एंट्री, रिसीव कैश फ्रॉम कविता ₹700। कविता रही होगी हमारी कोई कस्टमर, पिछले महीने सामान उसने खरीद लिया होगा, इस महीने वो पैसे दे गई है, कितने पैसे दे गई है, ₹700। बताइए ₹700 उसके देने से हमारे पास कैश इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट करेंगे ₹700। डेट डालेंगे November 5, रीजन लिखेंगे जी कविता ने पैसे दिए टू कविता।
नेक्स्ट नाइन्थ, पेड कैश फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, हमने सन्ड्री एक्सपेंस के लिए कैश दे दिया 450, फिर कैश हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मतलब क्रेडिट हो जाएगा 450 रुपये। डेट डाल देंगे नवंबर 9, रीजन लिखेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट, पेड फॉर पोस्टेज ₹50, 50 रुपये हमने पोस्टेज में कोई कोरियर वगैरह कराया होगा उसके अंदर खर्चा हो गया, 50 रुपये। बताइए कैश पे क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज, और डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट से हमें लिखेंगे 50 रुपये। डेट डालेंगे नवंबर 11, रीजन लिखेंगे बाय पोस्टेज अकाउंट। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस होते हैं ऐसे छोटे मोटे खर्चे जिनके लिए हम अलग अलग अकाउंट नहीं ओपन करते। बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं हम उनके अकाउंटिंग कॉमन कर लेते हैं, तो उन कॉमन एक्सपेंसेस को क्या नाम दे दिया जाता है, सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट खोलना चाहें तो इंडिविजुअल अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल अकाउंट खोलने से बचने के लिए हम एक कॉमन एक्सपेंस का नाम रख लेते हैं सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम नीरू ₹490, डिस्काउंट अलाउड ₹10। हमें नीरू से रिसीव हुए हैं 490। यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती करते हैं, जनरली वो क्या करते हैं, पैसों के बाद डिस्काउंट दोबारा से माइनस कर देते हैं। अरे इसमें साफ साफ लिखा है रिसीव फ्रॉम नीरू 490, रिसीव किया नीरू से 490, अलग से लिखा है डिस्काउंट, तो मतलब डिस्काउंट लेस ऑलरेडी हो चुका है, तुम्हें दोबारा से लेस नहीं करना। 490 रुपये लिए, 10 रुपये डिस्काउंट हमने उसे अलग से दिया, 490 को 480 नहीं बनाने। ठीक है, तो यहाँ पे 490 रिसीव हो गए हैं, रिसीव हुआ है कैश, तो कैश को डेबिट करेंगे 490। डेट डाल देंगे 11 और रीजन लिखेंगे भाई नीरू से पैसे मिले हैं। पूरी एंट्री अगर इसकी बनाओगे तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 490, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 10 टू नीरू 500 रुपीज। फिर कैश परचेज, कैश परचेज का वैसे अगर सेंटेंस पढ़ूँ तो इसका कैश खरीदा, ना 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 ये मतलब नहीं है, कैश नहीं खरीदा मैं, कैश से परचेज की, कैश नहीं खरीदा। कैश को क्या करेंगे खरीद के, कैश तो हमारे पास है, उसके अंदर तो सिर्फ जैसे नोट खुला करा सकते, तुम खरीदना थोड़ी बोलते नोट खुला कराने को। हमने कैश खरीदा कि हमारे पास 100 रुपये का नोट था, उससे हमने 10-10 रुपये के नोट खरीद लिए, अरे खुले कराए वो। तो कैश परचेज का मतलब कैश नहीं खरीदा बल्कि गुड्स खरीदा, लेकिन कैश दे के खरीदा, तो उसका सेंस समझना। ठीक है, कि कैश परचेज का मतलब कैश से गुड्स खरीदा, और कैश से गुड्स खरीदे तो कैश तो हमारा कम हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा, तो क्रेडिट से हमें लिखेंगे 950 रुपये और यहाँ पे लिखेंगे डेट 18, रीजन में भर देंगे बाय परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, पेड रेंट 1100 रुपये, रेंट पे क्या, रेंट नहीं आपने पैसा ही दिया होगा उसके अंदर, तो ठीक है ना, 1100 रुपीज कैश डिक्रीज होगा, क्रेडिट कर देंगे। डेट डाल देंगे 21, रीजन लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। नेक्स्ट, उसके बाद पेड टू संगीता एट 5% डिस्काउंट ऑन डेट ऑफ ₹600। यहाँ पे ध्यान रखना, अब डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है तो तुम्हें उसकी वैल्यू को लेस करना पड़ेगा। जब डिस्काउंट और रुपीस अलग अलग होते हैं, जैसे पिछली बात है 490, तो लेस नहीं करना, लेकिन अब परसेंटेज में बोला उसने, कह रहा है कि पेड किया संगीता को 5% डिस्काउंट के बाद 600 रुपये का डेट, डेट माने उधार था, तो 600 रुपये तो पूरे नहीं देंगे हम, 600 रुपये का 5% निकाले तो 30 रुपये होता है, 570 काट के डिस्काउंट 570 देंगे, और 570 देंगे तो कैश 570 जाएगा, कम होगा 570। परसेंटेज अगर दिए डिस्काउंट की तो आपको कैलकुलेट करके लेस करना है, लेकिन रुपीस अलग अलग दिए डिस्काउंट के और कैश के तो आपको लेस नहीं करना है। डेट 23 बाय क्या नाम लिखेंगे, संगीता। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹1800, हमने ऑफिस के काम के लिए फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर असेट बढ़ जाएगी, डेबिट हो जाएगी, लेकिन फर्नीचर नहीं बल्कि कैश की बात चल रही है, कैश डिक्रीज हो जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे, क्रेडिट से हमें लिखेंगे 1800। डेट डालेंगे 26 और नाम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट 27, पेड कैश फॉर प्रिंटिंग ₹152 रजनी, हमने रजनी को 150 रुपये दिए, लेकिन कॉज पता है, रजनी का नाम नहीं लिखेंगे, कॉज पता है, क्यों दिए पैसे भाई, प्रिंटिंग के पैसे तो जाने वाले हैं, कम होने वाले हैं, क्रेडिट करेंगे 150। डेट डालेंगे 27 लेकिन नाम लिखेंगे प्रिंटिंग अकाउंट। पर्सन का नाम तब लिखते हैं जब हमारे उधार की पेमेंट कर रहे हैं, वरना फिर रीजन लिखेंगे किस वजह से पैसे आपने दिए। लास्ट, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल काम के लिए पैसा निकालें भैया, तो पर्सनल काम ड्राइंग्स हो जाएंगे और पैसा बिजनेस में हो जाएगा कम, 2000 रुपये क्रेडिट करेंगे। डेट डालेंगे 30 और रीजन लिखेंगे यहाँ पे बाय ड्राइंग्स अकाउंट।
क्लियर है? ये सारा काम करने के बाद आप फाइनल इसका टोटल करेंगे। जब आप टोटल करेंगे तो पता चलेगा डेबिट साइड का टोटल ही बड़ा आएगा, 10,250 है, फिर 700 है, और उसके बाद 490 है, 11,440। वही टोटल फोर्सफुली दूसरी साइड में भी डाल देंगे। और ये डालने के बाद नवंबर की 30 तारीख को सारी एंट्री माइनस करने के बाद, सारी ये जो फिगर जो मैंने लिखी थी उन सबको माइनस करने के बाद जो बच जाएगा उसे यहाँ पे दिखाएंगे बैलेंस सीडी। सबको माइनस करने के बाद यहाँ पे बैलेंस बचेगा 3,170। और नवंबर के बाद अगला महीना होता है दिसंबर का फर्स्ट डेट, क्या बन जाएगा ये? ये बन जाएगा बैलेंस बीडी 3,170। सारी एंट्री कंप्लीट है, आंसर हमारा आ गया, क्वेश्चन का।